कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, माता श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। विकल्प जो कि संसार में ही डुबोने वाले हैं, संसार में पतन कराने वाले ही हैं, लेकिन जब उन विकल्पों में समीचीनता आती है तो वही विकल्प संसार से पार भी करा देते हैं। ऐसे उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, एक कार्यकारी उपाय जो निश्चित ही हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग खोलने वाला है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का पहला विकल्प। जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छावड़ा परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म के ग्रंथों को आए दिन पढ़ने वाले तथा आप जैसे महामुनियों के उपदेश सुनने वाले हजारों जैन श्रावक यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पांचों पापों से भी अधिक दुख देने वाले कसाय पाप हैं और मोक्ष मार्ग में महाबाधक हैं। इसके बावजूद भी लोग संसार भ्रमण से नहीं डरते तथा क्रोध मान माया लोभ जैसे दुर्गुणों को त्याग कर सुखी होने का उपाय क्यों नहीं करते? क्या ऐसी आत्माएं दुर्भव्य हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो भव्यत्व अभव्यत्व दूरांदूर भव्यत्व आदि जो जीवों के भेद आगम में प्राप्त होते हैं उन विषय में हमें मात्र कषायों की परिणति से नहीं लगाना होगा, अपितु जीव का श्रद्धान, उसका कर्मों का नियोग आदि के निमित्त से जीव दूरभव्य है, अभव्य है कि भव्य है आदि की परिणति समझने योग्य होती। और ये भी परम सत्य है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता बहुत कुछ है पर मानता नहीं। जैसे पूज्यपाद स्वामी ने इस बात को अपने इष्टोपदेश ग्रंथ में बताया है, मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पमात पदार्था नाम यथा मदन कोद्रव। जैसे कोदो यानी किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद व्यक्ति होश में नहीं रहता, बिल्कुल ऐसा ही जो मोह से ग्रसित है वह अपने होश में नहीं रहता। जानता सब कुछ है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, पर जो जानता है उसे वह मानता नहीं है मोह के कारण, इसलिए वह उस सम्यक्त को भी कभी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और मात्र कषायों की सत्ता यानी क्रोध मान माया लोभ इनका प्रति समय उदय आश्रव बंध उनके निमित्त से ये उस भव्यता को अभव्यता को प्रकट करने के लिए काफ़ी नहीं है, अपितु जीव की श्रद्धा आदि आदि के निमित्त से उसके विषय में समझना होगा। जैसे मोह से जो व्यक्ति ग्रसित है मोहनी कर्म के निमित्त से यानी मोहनी कर्म के उदय से, चाहे दर्शन मोहनी हो चाहे चारित्र मोहनी हो, दोनों कर्मों के निमित्त से जो भी जीव का नित्य रूप से उस मोहन यानी सम्मोहित होने रूप जो कार्य चल रहा है उसी के कारण से भव्य अभव्यत्व या दूरांदूर भव्यत्व आदि विषय हम समझ सकते। अगर प्रथमानियों का हम दृष्टांत समझें कि जो मारीची का जीव महावीर बनने वाला था वो तो बिल्कुल भव्य था और उसके प्रति तो प्रमाण पत्र ही था, पर फिर भी मात्र और मात्र भीतर की मान कषाय जैसे ही टकरा गई, उदय में आ गई, उस मान कषाय के निमित्त से उस मारीची से महावीर तक की पर्याय को उनको कई समय और कई क्षुद्र भवों को ग्रहण करना पड़ा। ये कषाय के उदय से भले ही वह भव्य थे पर कषाय के उदय से वह उनका काल और भी लंबा हुआ।
इसलिए भव्य अभव्य कषाय के उदय में नहीं तय किए जा सकते हैं। भव्य जीवों का भी तीव्र कषाय का उदय हो सकता है, अभव्य जीवों का भी कषाय मंदता कषायों की हो सकती है। वो इसलिए उन कषायों के निमित्त से हम दूर भव्य अभव्य आदि निर्णय ना करें, पर ये अवश्य समझे कि व्यक्ति कषायों को इंद्रियों को सबको पाप जानते हुए मात्र और मात्र मोहनीय कर्म के कारण से ही उसको जीवन में उतार कर सुधार नहीं कर पा रहा है। जिसने जिसने उस दर्शन मोहनी को जीता है या उसका नाश किया है वो सम्यक को प्राप्त करता है, और जो चारित्र मोहनी को जीतता है वो ही चारित्र को धारण करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करता है। इसलिए जो जीव जानते हुए भी मोह के कारण मान नहीं रहे हैं उनकी ही ऐसी संसार में परिणति दिखाई देती है। इसलिए आप भी जैसे जानते हो तो उसको मानते हुए जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो ही व्यक्ति अपने कल्याण का मार्ग खोज सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन सागर मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारम्बार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जिनसे हमारी बनती नहीं है या पहले जिनसे बात होती थी अब उनसे नहीं होती, तो उनसे बात नहीं करना कहाँ तक उचित है? उनसे हमारा बैर बनेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी व्यक्ति से बात करना, चर्चा करना, नहीं करना, ये परिपूर्ण रूप से जीव के उस व्यक्ति के साथ जो कर्म का कषाय का संबंध चला आ रहा है उसी कारण से हुआ करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें देखकर सहज बात करने की इच्छा होती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको देखकर भी पास में बैठने पर भी उनसे चिढ़ छूटती है या बात करने की इच्छा नहीं होती। ये परिपूर्ण रूप से उस व्यक्ति के साथ हमारा पिछले जन्म का कहीं ना कहीं कषायजन्य कोई वैरजन्य जो कर्म का उदय चल रहा है इसके निमित्त से ही हमारी ऐसी परिणति और परिणाम हो रहे। और शायद पिछले उस तीव्र कर्म के निमित्त से ही और तीव्र कर्म के उदय के कारण से ही वर्तमान में कहीं ना कहीं भीतर वह बैर की, क्रोध की, कसाय की गांठ बैठी है, जिसके कारण से हम किसी अन्य व्यक्ति से बोलना नहीं चाहते या उनसे अच्छे से वार्ता नहीं करना चाहते, उसे देखकर भी मुंह फेर लेते हैं। ये परिपूर्ण रूप से पिछली पर्याय में हमने उस व्यक्ति के निमित्त से जो कसाय की थी उस कसाय के निमित्त से ही जो आश्रय बंद हुआ था उसके कारण से ही हमारे कर्म उदय में आए हैं और उस व्यक्ति के साथ हम बात करना नहीं चाहते। और इसको अगर हमने लंबे समय तक ऐसा ही यह ना बोलने का या उसे रूठे रहने का सिलसिला अगर जारी रहा तो पक्का मानना हमारे लिए आने वाले समय में अनंतानुबंधी जैसे कर्मों का आश्रय बंद भी हो सकता है। क्योंकि कषाय के जो चार भेद बताए हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, उसकी कषाय के जन्य समय पर सीमा को समझते हुए उसके आश्रय बंध के विषय में भी हमें समझना होगा। अगर 6 महीने से अधिक किसी एक व्यक्ति से प्रति हमारा क्रोध, वैर आदि के निमित्त से उससे बात नहीं करना, उससे चर्चा नहीं करना, उससे दूर भागना आदि रूप परिणाम चल रहे हैं, और वह काल अगर 6 महीने से अधिक हो रहा है तो वह अनंतानुबंधी कषाय कही जाती है। 6 महीने से 15 दिन तक अप्रत्याख्यानावरणी, 15 दिन से 48 मिनट तक प्रत्याख्यानावरणी, और 48 मिनट से कम यानी 48 मिनट तक अंतर्मुहूर्त चक कषाय का उदय का काल रहता है, वह संजलन कषाय कहला जाती। इसलिए इन सभी बातों को हम निर्णय करके समझे कि 6 महीने से अधिक हम किसी व्यक्ति से दूर भाग रहे हैं, उससे वैर के भाव रख रहे हैं, ना बोलने के भाव रख रहे हैं, तो नियम से हमारा अनंतानुबंधी रूप वैर अवश्य ही बांधा जाएगा। इसलिए प्रयास हम यही करें, कितना ही एक दूसरे के प्रति हमारे परिणाम परिणति बिगड़ जाए पर किसी से बात करना हमें नहीं छोड़नी होगी। अगर लंबे समय तक हम बात करना छोड़ देंगे तो वह अनंतानुबंधी रूप परिणत होकर हमारे लिए कई भवों तक वह वैर बंधा हुआ पेरने के लिए, परेशान करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। इसलिए जो हुआ भूल जाओ, उस कार्य को भूल जाओ,
या फिर ऐसा कार्य करो, अगर उस कार्य को या उस गलती को भूल नहीं रह पा रहे हैं, उस व्यक्ति को भूल जाओ, पर सामने आने पर उसे रोटना, मौन हो जाना, बात नहीं करना आदि किंचित भी कसाय की परिणति भीतर रही तो वह हमारे लिए कई भवों तक परेशान करने रूप अनंतानुबंधी पाप का और कर्मों का आश्रय बंध देने वाली हो सकती है। इसलिए इससे बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन मड़ावरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्रीमती सुषमा जैन मड़ावरा से महाराज जी, मेरा विकल्प है कि घर के एक सदस्य के किए गए पुण्य या पाप का प्रभाव क्या घर के अन्य सदस्यों पर पड़ता है, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, कथनचित एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कुछ अंशों में प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिसे आगम ग्रंथों में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा गया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता, एक प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य पाप, अपना अपना कर्म का उदय आश्रय बंध स्वतंत्र रूप से चलता अवश्य है, पर फिर भी जो विशेष पुण्यात्मा होता है या विशेष पाप करके आया होता है उसके निमित्त से घर, परिवार, खानदान, समाज आदि आदि पर भी अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई विशेष विशेष तपस्या, विशेष कोई धर्म का आचरण करता है, बहुत भक्ति भाव से पूजा पाठ करता है या किसी विशेष रूप से चारित्र संयम आदि को धारण करता है, तो उसका जो विशेष पुण्य होता है वह पुण्य और अपुण्य का प्रभाव सहज रूप से अन्य जीवों पर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ कर्मों का नियोग उस परिवार का हुआ करता है जिसके कारण से उस जीव का पुण्य पाप घर के अन्य सदस्यों पर भी देखा जाता है। कभी कभी पाप के रूप में भी ऐसा देखा जाता है, जो संतान जन्म लेती है, जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई, कुछ वर्षों बाद माँ की मृत्यु हो गई, जो घर परिवार धन संपत्ति इकट्ठी की थी वो भी अचानक से नष्ट हो गई। ऐसे पुराण ग्रंथों में भी बहुत सारे दृष्टांत आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। जीवंदर के बारे में भी कथा आपने सुनी होगी, चारुदत्त के बारे में भी बहुत सारी ऐसी आगम ग्रंथों में पुराणों में कथाएँ प्राप्त होती है कि मात्र और मात्र जन्म हुआ और जन्म होते ही घर में सोने का घड़ा प्राप्त हुआ, जहाँ नाल गाड़ने का लिए गड्ढा खोदा गया वहाँ उस बालक के जन्म से ही धन्य कुमार के विषय में जो कथानक आता है, जैसे ही जन्म हुआ वह सोने का घड़ा घर में प्राप्त हुआ, पिछली पर्याय में उसका जन्म होते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, राज कारबार छूट गया आदि, ये मात्र प्रतिमानियों के ही नहीं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी एक जीव के पुण्य पाप का प्रभाव घर के अन्य सदस्यों पर पड़ता है, क्योंकि घर के जो सदस्य बने हैं कहीं ना कहीं उनका पिछले जन्म का कोई संबंध है, जैसे आचार्य भगवान ने अनादि संबंधे च सूत्र प्रदान किया है। इस संदर्भ से ही हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं घर के सदस्यों का परस्पर में कर्मों का कोई लेन देन या संबंध है, उस संबंध के कारण से एक का दूसरे निमित्त से प्रभावित होना ये निमित्तिक नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से परम सत्य होने से पुण्यात्मा का पुण्य का प्रभाव भी घर में दिखता है। ऐसे भी देखा जाता है वर्तमान में कि जो बुजुर्ग पुण्यात्मा थे उनकी जैसी ही मृत्यु हो गई, घर में आपस में कलह होने लग गया, घर का बंटवारा हो गया आदि रूप से पुण्यात्मा के निमित्त से भी घर में पुण्य बढ़ता है और पापी जीवों के निमित्त से भी पाप की वर्धन भी होता है। यह भी कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से और निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से हमें सत्य मानना होगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अंतरिक्ष जैन सागर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। ऋषि के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा विकल्प यह है कि हमारा पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लगता, जबकि अन्य बाहर के कार्य हम बहुत अच्छे से मन लगाकर करते हैं, एवं हम क्या करें जिससे कि एकाग्र मन से पढ़ाई कर सकें, कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपया करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये कुछ हद तक आपके
कर्मों का या आपने किए हुए पिछले पुण्य पाप का प्रभाव हो सकता है, पर मात्र उस पर निर्भर होते हुए काम नहीं बनेगा, क्योंकि वर्तमान में आपका कुछ प्रमाद, स्वयं का आलस, वही उस पढ़ाई में मन नहीं लगने के लिए कारण हो सकता है। जैसा बाह्य कारणों में, बाह्य क्रियाओं में आपका मन लग रहा है, अगर ऐसा ही आप निर्णय कर लो, सोच लो कि नहीं, मुझे पढ़ाई में भी मन लगाना है या मन लगा के पढ़ाई करनी है, तो आज नहीं तो कल अवश्य ही आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। पर व्यक्ति अक्सर कोई कार्य करने से पहले नेगेटिव सोचता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा तो, ऐसा नहीं किया तो, पढ़ाई में पास नहीं हुआ तो, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो, मैं इतनी मेहनत करूँ तो क्या होगा। ऐसा जो भी व्यक्ति नेगेटिव सोचता है उसके साथ सब काम नेगेटिव होते हुए देखा जाता। आप अपने मन को और अपने आप को इतने अच्छे से बना लेना कि नहीं, मुझे तो पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के जो फायदे हैं या उससे जो भी मेरे जीवन में अच्छाई प्राप्त होने वाली है उसके बारे में आप थोड़ा सा एकांत में बैठकर सोचोगे, तो पक्के में ही आपका उस पढ़ाई आदि करने में मन अवश्य ही लगने लग जाएगा। अक्सर यही होता है, व्यक्ति मात्र दूसरे को देखते हुए अपनी पढ़ाई को करना चाहता है या किसी को देखते हुए पढ़ाई को छोड़ना चाहता है। जीवन व्यक्ति का स्वयं का है, और जीवन उसी का सफल माना जाता है जिसने जीवन में कुछ पढ़ाई लिखाई की है, क्योंकि वर्तमान का युग भौतिक युग है, और इस भौतिक युग में जब तक व्यक्ति के पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, तब तक समाज में भी, घर में भी, कहीं भी उसको योग्य स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को बनाने का प्रयास करो। बाह्य क्रियाओं में जैसे आप मन लगा के काम करते हो, ऐसे ही उसमें भी मन लगाने का प्रयास करो। हाँ, शुरू में एक बार, दो बार, चार बार, 8 दिन 15 दिन कुछ कम मन लगेगा, पर आपने अगर भीतर से निर्णय किया है कि हमें पढ़ना है ही, और पढ़ने के अलावा और कुछ काम नहीं है, तो नियम से उसमें भी आपका मन लगेगा। जो बाह्य कार्यों में आपका मन अधिक लगता है उससे थोड़े से हटाने का प्रयास करें। जो 2 घंटा हम बाहर देते हैं उसमें से 1 घंटा कम करते, 1 घंटा पढ़ाई को हम अधिक देने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी पढ़ाई का समय भी बढ़ने से हमारा मन लगने लग जाए। और साथ में ये बात भी ध्यान रखना कि कुछ अंशों में हमारा ज्ञानावरणी का तीव्र कर्म का उदय भी हो सकता है, दर्शनावरणी कर्म का भी उदय हो सकता है, जिसके कारण से हमारा पढ़ने में, पढ़ाई करने आदि में मन नहीं लगता। तो इस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के जो आश्रय के बंध के हेतु थे उसको सुधारने का प्रयास करें। जो हमने आश्रय बंध किया है उसका यानी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोक्षम को बढ़ाने का प्रयास करें। जो हमसे ज्ञानी हैं उनसे, उनके साथ उस ज्ञान की पढ़ाई की चर्चा करने में समय व्यतीत करें। जो ज्ञानधारी है, चाहे मुनिराज हो, चाहे लौकिक पढ़ाई में जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो, उनके पास पहुंच के, उनके पास बैठ के ज्ञान की चर्चा में मन लगाया जाए। आजकल आपके पास जो मोबाइल आदि है उसके द्वारा भी आप पढ़ाई की नई नई तकनीक, नई नई टेक्निक ऐसी सीखे जिसके द्वारा आपका मन पढ़ाई में लगे, क्योंकि आजकल मोबाइल आदि के द्वारा बहुत सारी आधुनिकताएँ सिखाई जाती है, उसके द्वारा भी हम पढ़ाई आदि में मन लगा के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते। अन्य कार्यों में मन लग रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा मन तो लग रहा है पर हम बुद्धिपूर्वक पढ़ाई नहीं करना चाहते। द्वय मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा समीचीन विकल्प है कि नित्य निगोदिया जी पंच परावर्तन कैसे करते हैं, मेरा सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु मेरा जी, नमोस्तु। इस विषय में आगम के परिपेक्ष में 2 प्रमाण प्राप्त होते हैं। जहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि नित्य निगोदिया जीव कभी भी निगोद से नहीं निकलते, उसी कारण से नित्य निगोदिया कहे गए, तो इस अपेक्षा से, आचार्य भगवंत के इस कथन की अपेक्षा से, वे बाहर नहीं निकलते इसलिए उनका पंच परावर्तन घटित नहीं होता। पर कहीं कहीं आचार्य भगवंतों ने चाहे प्रतिमानियों के निमित्त से जो व्याख्यान किया कि कुछ जीव उस नित्य निगोद से निकले, या जो 923 आदि जीवों के विषय में जो कथन आता है
उसको अगर मद्देनजर रखते हुए या उस विषय को हम समझे, तो ऐसा अगर सिद्धांत मान ले कि कुछ जीवों का ऐसा नियोग होता है कि नित्य निगुत से भी वो निकल सकते हैं, तो उनके परिपेक्ष में हम पंच परावर्तन फिर भी घटित कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते, पर जो नित्य निगोध रूप यानी जिनका कभी भी निगोध से निकलना संभव ही नहीं है, उनका हम पंच परावर्तन घटित कर ही नहीं सकते। ये कहा जा सकता है या उपचार से, व्यवहार से, मात्र परिणामों की दशा से भी घटित करना असंभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ कोई भावों की, परिणामों की कोई बढ़ोतरी या घटौती ऐसा कुछ भी उस नित्य निगोदिया जीवों के निमित्त से नहीं होता। इसलिए जो आगम के परिपेक्ष में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहाँ किंचित भी उनका अन्यत्र गमन होता ही नहीं है, वहाँ पंच परावर्तन घटित करना संभव ही नहीं है, पर कथनचित जैसे 930 जीवों के विषय में परिवर्तन या उस नित्य निगोद के निकलने का व्याख्यान प्राप्त होता है, तो उस विषय के अपेक्षा से हम वहाँ पर कथनचित फिर भी परिणमन का या परावर्तन का कुछ भेद अपेक्षा लगा भी सकते हैं, पर अधिकांश प्रमाण व नित्य निगोदिया के निमित्त से पंच परावर्तन नहीं घटित होने रूप ही मिलते हैं। इक्के दुक्के प्रमाण से सिद्धांत नहीं बदला जा सकता, पर उसका भी अस्तित्व होने से, हम छद्मस्त होने से, हमें दोनों प्रमाण उभय वाक्यम प्रमाणम मानते हुए दोनों बात स्वीकार करनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुराग जैन बीजू सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि क्या पति के पुण्य से पत्नी के भाग्य में कोई परिवर्तन आ सकता है, या इसके विपरीत पत्नी के पुण्य से पति के भाग्य में कोई परिवर्तन आ सकता है, कृपया संख्या का समाधान करें। नमोस्तु। हाँ, ऐसा भी होना संभव है, क्योंकि जैसे मैं अभी अभी बता रहा था कि एक जीव के पुण्य के उदय से दूसरे घर में, परिवार में रहने वाले जीवों का पुण्य पाप अवश्य ही बदलता। ये परिपूर्ण रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध ही कहा जाता है। इस विषय में अगर पुराण ग्रंथों को हम खोल के देखें, प्रतिमानियों के परिपेक्ष में समझे, तो पति पत्नी के ही संबंध में समझना है तो पत्नी पति का तीव्र पाप का उदय था कुष्ठ रोग के निमित्त से, पर वही पर तीव्र तीव्र पुण्य भक्ति आदि के निमित्त से पत्नी ने, मैना सुंदरी ने, अपने पति का कुष्ठ रोग भी ठीक करके बताया था। इसलिए इस विषय में हम परम सत्य बात को समझे कि सर्वथा ऐसा होना संभव नहीं है, पर कथनचित तद अनुकूल कर्म का उदय उस जीव का होगा, यानी तीव्र पत्नी के पुण्य के उदय से वह अनुकूल वैसे क्रिया करने के लिए पाप का मध्यम अंशों में उदय चल रहा है, तो पति का या पत्नी का या घर के किसी भी सदस्य का पुण्य का उदय दूसरे लिए प्रभावित निमित्त रूप हो सकता है। पर जब व्यक्ति का, जीव का तीव्र कर्मोदय चलता है, तो किसी का भी पुण्य पाप उसके लिए कार्यकारी नहीं हो सकता। दूसरे का पुण्य पाप चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, वह उसके लिए तभी कार्यकारी होता है जब जीव का तद अनुकूल कर्म का उदय चल रहा हो, कर्म का उदय मध्यम अंशों में चल रहा हो, क्योंकि पुरुषार्थ निमित्त ये तभी कार्यकारी होते हैं जब कर्म का मध्यम अंशों में उदय होता है। तीव्र उदय में किसी का पुरुषार्थ, किसी का निमित्त, किसी का पुण्य पाप दूसरे के लिए प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए ये कथनचित हमें स्वीकार करना होगा कि एक जीव का, चाहे पति हो पत्नी हो, एक दूसरे के पुण्य पाप का एक दूसरे पर कथनचित उस संबंध कर्मों के निमित्त से अवश्य ही प्रभाव पड़ता है, पर सर्वथा ऐसा अगर मानेंगे तो पति को पुण्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। पत्नी रोज मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, अभिषेक करे, और वह पति घर में बैठे बैठे उसके पुण्य से खाने लग जाए, तो ये भी सर्वथा उचित नहीं है। कथनचित ये दोनों बातें सत्य है, उसे ही हमें समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह बहुत चर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवा से प्रसारित होता है, और शाम को 4 बजे पारस TV के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है।
अगर आप सोच रहे हैं कि आपके मन में उठने वाले विकल्पों को कैसे शांत किया जाए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट करिएगा 8707548811 8707548811। यह नंबर आप सेव करिएगा, इस पे व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आप जीमेल का अगर उपयोग करते हो तो जीमेल पे samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आज जितने क्वेश्चंस हुए, जितने विकल्प सम्मिलित किए गए, बाकी विकल्पों को धारावाहिक रूप से अगले आने वाले दिनों में विकल्प को समाहित किया जाएगा। और आप ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते रहे, यूट्यूब चैनल सुप्रभु वाच को सब्सक्राइब एवं उसका बेल आइकन जरूर दबाना ना भूले, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुनिषि के प्रवचन यूट्यूब चैनल सुप्रभु वाच पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सुप्रभु वाच सर्च कर सकते हैं और मुनिषि से जुड़ सकते हैं, मुनिषि के विचारों से जुड़ सकते हैं। मैं मुनिषि के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्री पाल शिवलाल झा, माता श्री गुणमाला श्री पाल झा एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्री पाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्री पाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।